पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर के आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में रेलवे के संपर्क में आने वाले बच्चों के सुरक्षा और देखरेख के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के प्रधानाचार्य अमरपाल जोशिया ने दीप प्रज्वलित करके किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य अमरपाल जोशिया और बच्चों के सुरक्षा और देखभाल के मुद्दों पर काम कर रहे डॉक्टर मुमताज खान ने कहा। और जिसमें डॉक्टर मुमताज खान हम लोग को सहयोग देते रहे हैं, इनके माध्यम से NER रेलवे सुरक्षा बल के सभी अधिकारी और सदस्य लोग हम लोग लाभान्वित हुए हैं। मैं दिल से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि चाइल्ड को कैसे केयर करेंगे, हाउ टू केयर द चिल्ड्रन इन द इंडियन रेलवेज, इस टॉपिक पर इनके बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हम लोगों ने दो सेमिनारों में पहले सुने हैं। अभी इस साल रिसेंटली हमने 31 जनवरी को केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विद द इंडियन रेलवेज टॉपिक पर पार्टिसिपेट में एक सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें NER के विभिन्न मंडलों से अधिकारी और जवान लोगों ने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता DIG NER डॉक्टर सैनी द्वारा की गई थी। उसी क्रम में इस साल की हम सेकेंड स्पेल की ये सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल स्टेशनों पर महत्वपूर्ण ड्यूटी करते हैं, जिसमें घर से लावारिस बच्चे या भाग जाते हैं बच्चे, लड़की हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज के जो चिल्ड्रंस रेलवे कॉन्टैक्ट में आते हैं, उस प्रक्षेप में रेलवे सुरक्षा बल की क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, उनके बच्चों को क्या राइट्स हैं, बच्चों को कैसे आपके हैंडओवर करेंगे, इन सभी विषय वस्तुओं पर सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आप लोग कोई ऐसी गलती ना करें जिससे जो है कानून की दृष्टि में आप अपराधी बने। इन्हीं सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर ये चौथी सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, और हम बड़े ही आभारी हैं कि बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी डॉक्टर मुमताज खान, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के भी वहाँ पर कोऑर्डिनेटर हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी भी सेमिनार होती है उन सेमिनारों में भाग लेते हैं, और इनको उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। तो बहुत ही वेल एक्सपीरियंस व्याख्याता हमारे बीच में है, जो आज हमारे जवानों अधिकारियों को हाउ टू केयर द चिल्ड्रंस इन द इंडियन रेलवे टॉपिक पर अपना लेक्चर आपको को देंगे। मैं डॉक्टर मुमताज खान को धन्यवाद देता हूँ कि वो बहुमूल्य समय लेकर हमारे ट्रेनिंग सेंटर को बार बार सहयोग करते रहे हैं। थैंक यू। जो लगातार इस सक्रियता के साथ इस अहम मुद्दे पर 2015 जो अपडेट हो चुका है उसको जाना, हम लोग उसी की चर्चा और बातचीत करेंगे, और ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए। जब हम आपसे जब बात करें तो सिर्फ हम बोल रहे हो आप हो रहे हैं सर, ठीक है ना सर? आप ये देखिए कि क्यों आपके को बच्चों के इश्यूज पर जागरूक करने की बात आई, क्यों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसका काम तो दूसरा है, पर बच्चों को क्यों को ज्यादा से ज्यादा जागरूकता का उनके पहलुओं पर बातचीत करने का क्यों इसकी आवश्यकता पड़े? दरअसल आप देखिए कि हमारे भारतवर्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो साधन है और लगभग 12,000 पैसेंजर ट्रेन पर डे इधर से उधर उधर से इधर मूव करती रहती है, और रेलवे का ही डाटा है कि हर 5 मिनट में एक बच्चा अकेले सफर करते हुए पाया जाता है। आप इमेजिन करिए हर 5 मिनट में एक बच्चा, ये आपकी रिपोर्ट आपके द्वारा प्रकाशित है, नहीं जो इंटरनेट से इसका प्रकाशित करते हैं। लेकिन अगर आप आपसे दूर होती है तो कानून में बहुत सारे परिवर्तन हो गए,
फिर से 2018 को उसको रिवाइज करके एसओपी को पब्लिश कर दिया। मेरे ख्याल से वो एसओपी आपके पास होगी, मौका लगेगा तो उसको आप पलट पलट के देखते हैं। अब हम लोग आते हैं मुद्दे के ऊपर। जो मुद्दा है वो बच्चों का मुद्दा है और मैंने एक उदाहरण दिया कि हर 5 मिनट में एक बच्चा अकेले ट्रेवल करता है। क्यों? बच्चा ट्रेवल तो कर सकता है अकेले, उसको ट्रेवलिंग करने के लिए कौन सी जरूरत पड़ती है, उसको क्या होना चाहिए उसके पास? रेल टिकट। अगर उसके पास रेल टिकट है और ट्रेवल कर रहा है तो कोई बड़ी खतरे की बात तो नहीं है, लेकिन है। भारत की आबादी लगभग 125 करोड़ के आसपास है, हम लोग कहते हैं इससे अधिक भी हो सकती है आंकड़े के आधार पर, और कहा जाता है कि 1/3 बच्चे हैं उस आबादी में, 33% के आसपास। तो अगर 125 करोड़ में 33% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने लाख बताइए? लगभग 41-42 लाख बच्चे हैं जो 0 to 18 ईयर्स के बीच के हैं।